इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम यूज हो रहा होगा. सो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है. फाइंड द रिमाइंडर. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनमें पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 1. हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जबकि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड किया जाता है दूसरे पॉलिनोमियल के साथ. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. अब हमने फाइंड करना है रिमाइंडर जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इस x प्लस 1 के साथ. सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ. तो जो हमारे पास a की वैल्यू होगी वो हम इस f ऑफ x में x की जगह पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे. जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा. अब यहां पे हमारे पास a की वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस 1. सो हम f ऑफ माइनस 1 जो है वो फाइंड करेंगे तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वो हमारे पास रिमाइंडर होगा f ऑफ माइनस 1. x की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7. ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 7. तो ये हमारे पास बन जाएगा 5. सो 5 इज द रिमाइंडर. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से होंगे. सिंपली वो वाला पॉलिनोमियल जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कंपेयर करेंगे हम उसको x माइनस a के साथ. a की वैल्यू जो आएगी उस पे हम इस पॉलिनोमियल को एवेलुएट कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक. इन सारे क्वेश्चंस में हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है. स्टेटमेंट इज यूज फैक्टर थ्योरम to determine if the first polynomial is a factor of second polynomial. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पॉलिनोमियल दिए गए हैं. पहला पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमने ये बताना है कि x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का फैक्टर है या नहीं है. इस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. इस x माइनस 1 को
हम कंपेयर करते हैं x माइनस ए के साथ और वहां से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को एवेलुएट करना है f ऑफ 1 पे। अगर तो इसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का, और अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। सो हम x की जगह पे 1 पुट करते जाना है। f ऑफ a सिंपली f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। दिस विल बिकम 1 प्लस 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 5 एंड दिस विल बिकम 0। इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, जिसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। सारे क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9 बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं। दो पॉलिनोमियल आपके पास दिए गए होंगे, एक पॉलिनोमियल को जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको आपने इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x लिख लेना है, देन इस x फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा उसको आप कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ, वहां से जो a की वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे आप इस पॉलिनोमियल को एवेलुएट करेंगे, और अगर उसका आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बाकी क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9 जो हैं वो आप खुद करेंगे। देन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज when polynomial x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 plus kx raised to power 2 plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is one. Find the value of k. क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पॉलिनोमियल है x raised to power 4 प्लस 2x raised to power 3 प्लस kx square प्लस 3 जो है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 के साथ तो उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 1 आता है। हमने इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे और इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं इन पॉलिनोमियल फंक्शन f of x is x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 plus kx square plus 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x minus 2। इस x minus 2 को हम कंपेयर करेंगे x minus a के साथ, तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2। इस पॉलिनोमियल को हम 2 पे एवेलुएट करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो होता है f ऑफ a, तो जो आंसर आएगा उसको हम अपने इस रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे। f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, जो कि हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 16 प्लस 2 रेज टू पावर 3 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 प्लस 4k
प्लस 3, जो कि हमारे पास बन जाएगा 4k प्लस 35, दैट इज f ऑफ 2। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता है कि f ऑफ a जो है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। दिस इज रिमाइंडर, लेकिन हमें उसने स्टेटमेंट में बताया है कि रिमाइंडर इज 1। सो हम इस रिमाइंडर को उस रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे और वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, दैट 4k प्लस 35 इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसने हमें बताया है कि 1 रिमाइंडर है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली 4k हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 35 विच इज इक्वल टू माइनस 34 एंड k इज इक्वल टू माइनस 34 बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस 17 बाय 2। सो माइनस 17 बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ k व्हेन द पॉलीनोमियल x square plus 2x is to power 3 plus kx square plus 3 is divided by x minus 2 and remainder is 1. Then the question number 11 is also of same type. उसमें हमारे पास एक polynomial है, दूसरे से divide किया जाता है, remainder बताया गया है, बिल्कुल आपने उसको इसी तरीके से solve करना है और उसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आपके पास माइनस 3 आएगी। उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आप खुद करेंगे। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 12 टू 14, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें स्टेटमेंट है use synthetic division to show that x is the solution of polynomial and use the result to factorize the polynomial completely. क्वेश्चन नंबर 12 को ही हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास पॉलीनोमियल है x रेज टू पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए ये बताना है कि 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके कोफिशेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जो कोफिशेंट हमारे पास नहीं होगा उसकी जगह पे 0 इंसर्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, x रेज टू पावर 3 का कोफिशेंट 1, x स्क्वायर का कोफिशेंट 0, x का
-7 एंड कांस्टेंट 6. डिवाइड हमने इसको करना है x इज इक्वल टू 2 पे. सिंथेटिक डिवीजन के जरिए करना है तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा. इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 यहां पे पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर 2. इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4. दोनों को ऐड करेंगे, -3. -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -6. 0. सबसे राइट वाली टर्म जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है. रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि एक चीज तो हो गई कि शो हो गया कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अब नेक्स्ट हमने करना है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, दैट इज क्वेश्चन, उसको यूज करते हुए हमने कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. अब इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हैं, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे, 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. इसको अब हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स बनाते थे, उसी तरीके से फैक्टर्स बना के हम इसको सॉल्व करेंगे. इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, वो होंगे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3. फैक्टर हो गए x माइनस 1 एंड x प्लस 3. दो फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए. सो कंप्लीटली अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर लिखें, x रेज टू पावर 3 माइनस 7x प्लस 6, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3. ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के. अब जितने आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, उनमें भी हमने बिल्कुल यही तरीका अपनाना है. और पहले उनमें शो करना है कि x इज इक्वल टू जो भी वो होगा वो उसका हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा. एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना है.